इतने बजे से इस दिन खेला जाएगा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महामुकाबला। इंडिया के प्लेइंग 11 में होगा बड़ा बदलाव। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस खतरनाक बल्लेबाज की होगी टीम में एंट्री। क्या होगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बताएंगे आपको। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको क्रिकेट की हर अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में फिर एक और कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, जहां टीम इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका की टीम कड़ी चुनौती पेश करने मैदान पर उतरेगी। एक तरफ जहां कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, तो दूसरी तरफ भी T20 के विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर, मार्करम और रिले रोसो जैसे खिलाड़ी हैं। इसलिए दोनों टीम के बीच एक जोरदार मुकाबला क्रिकेट फैंस को देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका की टीम अपने अगले मैच में टीम इंडिया के विजय अभियान को रोकने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं टीम इंडिया भी इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने के और करीब पहुंच जाएगी। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों और भारतीय बल्लेबाजों के बीच रोचक जंग देखने को मिलेगी। कप्तान रोहित शर्मा के लिए केएल राहुल की फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ सही टीम सिलेक्शन मैदान पर उतारना, ये भी रोहित शर्मा के सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मुकाबला पर्थ की उछाल भरी तेज पिचों पर खेला जाना है। इसलिए टीम इंडिया एक और तेज गेंदबाज खिलाने पर विचार कर सकती है। अब देखना होगा कि टीम इंडिया एक और तेज गेंदबाज के साथ मैदान पर जाती है या नहीं। इन सब पर आज बात करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को जीतेगी या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतेगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपके हिसाब से कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है? उससे पहले आपको बता दें कि दोस्तों, टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में शानदार और धमाकेदार शुरुआत की है। भारतीय टीम अब तक इस T20 वर्ल्ड कप में दो मुकाबले खेल चुकी है और दोनों मुकाबलों में उसे जीत मिली। वहीं अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतकर सेमीफाइनल की अपनी दावेदारी को और मजबूत करना चाहेगी। भारतीय टीम ने अपने पहले रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में एक शानदार मुकाबला देखने को मिला, जहां भारतीय टीम ने हारी हुई बाजी को पलट दिया। पाकिस्तान के खिलाफ पहले गेंदबाजों ने अच्छा काम किया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ 160 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और कप्तान रोहित शर्मा संघर्ष करते नजर आए। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ सूर्य कुमार यादव भी जल्द पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया इस मुकाबले में जहां हार की ओर बढ़ रही थी, वहीं इसके बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने भारतीय पारी को संभाला। हार्दिक पांड्या ने इस मैच में 40 रनों की पारी खेली, वहीं 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं विराट कोहली ने अपनी तूफानी पारी से इस मैच को पूरी तरह पलट दिया। जहां लग रहा था कि पाकिस्तान धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ रहा है, विराट कोहली ने 53 गेंदों पर 82 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। इसके बाद टीम इंडिया 27 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलने मैदान पर उतरी। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। नीदरलैंड के खिलाफ पावर प्ले में भारतीय टीम ने धीमी शुरुआत की। केएल राहुल एक बार फिर संघर्ष करते दिखे। नीदरलैंड के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने अर्ध शतक लगाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पर 53 रन बनाकर लय हासिल की। वहीं विराट कोहली ने एक बार फिर इस T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में शानदार पारी खेली और उन्होंने 44 गेंदों पर नाबाद 62 रनों की पारी खेली। नीदरलैंड के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी चमक बिखेरी और अंतिम ओवरों में तेज गति से रन जोड़े। सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों पर नाबाद 51 रनों की पारी खेली। इसके बाद गेंदबाजों ने एक बार फिर अच्छा काम किया, लेकिन अब भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने मैदान पर उतरेगी। T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन अब साउथ अफ्रीका भारतीय टीम के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगी और एक बार फिर भारत और पाकिस्तान मैच के बाद कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारतीय टीम जहां पॉइंट टेबल में 2 में से 2 मैच जीतकर नंबर 1 पर खड़ी है, वहीं साउथ अफ्रीका की टीम पॉइंट टेबल में 2 में से 1 मैच जीतकर नंबर 2 पर है। साउथ अफ्रीका अब तक 2 मुकाबले खेल चुकी है। साउथ अफ्रीका ने अपना पहला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था, जहां बारिश से प्रभावित मैच में दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला था। जिम्बाब्वे के खिलाफ साउथ अफ्रीका को 9 ओवर में 80 रनों का लक्ष्य मिला था, जहां साउथ अफ्रीका ने महज 3 ओवर में ही 51 रन ठोक दिए, लेकिन इसके बाद बारिश ने खेल रोक दिया और साउथ अफ्रीका को 1 पॉइंट से ही खुश होना पड़ा। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने अपना दूसरा मैच कल 27 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेला। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई साउथ अफ्रीका ने 20 ओवरों में 205 रन बोर्ड पर लगा दिए। साउथ अफ्रीका के लिए डी कॉक ने 38 गेंदों पर 63 रनों की पारी खेली, तो वहीं रिले रोसो ने इस T20 वर्ल्ड कप का पहला शतक जड़ दिया। रिले रोसो ने 56 गेंदों पर 109 रनों की तूफानी पारी खेल साउथ अफ्रीका को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका के लिए डी कॉक और रिले रोसो इस समय
शानदार फॉर्म में है। किसी भी गेंदबाज को इससे पार पाना आसान नहीं होगा। डेली रोसो के T20 कैरियर का ये दूसरा शतक है। पहला शतक उन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ खेली गई 3 मैचों के T20 सीरीज में इंदौर में लगाया था, जहां उन्होंने 100 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अगले मैच में टीम इंडिया को डेली रोसो और डी कॉक बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। वहीं इस टीम में इनके अलावा कप्तान बाउमा, मार्करम और मिलर जैसे तूफानी बल्लेबाज हैं, जो किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सकते हैं और किसी भी टारगेट को मैदान पर छोटा बना सकते हैं। भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा। साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 104 रनों के विशाल अंतर से हराकर अपनी नेट रन रेट को सबसे आगे कर लिया। बांग्लादेश के खिलाफ साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एनरिक नोरकिया ने महज 3.3 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं शम्सी ने भी 3 विकेट अपने नाम किए। टीम इंडिया के लिए साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों से पार पाना एक बड़ी चुनौती होगी, जहां कागिसो रबाडा, एनरिक नोरकिया जैसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। ऐसे में मुकाबला दोनों टीमों के बीच कांटे का देखने को मिलेगा। वहीं इस मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो ये मुकाबला पर्थ में खेला जाना है, जहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में टीम इंडिया अक्षर पटेल और अश्विन में से किसी एक को बाहर कर सकती है और उनकी जगह या तो टीम इंडिया किसी एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ मैदान पर जा सकती है या फिर एक और तेज गेंदबाज के साथ उतर सकती है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे। नंबर 3 पर विराट कोहली होंगे, जिन्होंने पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ एक बेहतरीन पारी खेली थी। नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव होंगे। सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं। वो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं और रन गति को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इस बल्लेबाज का रोल अहम होगा। वहीं नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या अपने बल्ले और गेंदबाजी से विरोधी टीम के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। वहीं नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक होंगे तो नंबर 7 पर दीपक हुड्डा या हर्षल पटेल को मौका मिल सकता है। अक्षर पटेल की जगह टीम इंडिया एक्स्ट्रा बल्लेबाज या फिर एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज के साथ मैदान पर उतर सकती है। नंबर 8 पर आर अश्विन होंगे तो नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार होंगे। नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह होंगे तो नंबर 11 पर मोहम्मद शमी नजर आएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। क्या भारतीय टीम को सेम प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरना चाहिए या फिर एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज या फिर एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ मैदान पर उतरना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अब इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। 30 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार 4:30 से खेला जाएगा, जिसे आप स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर लाइव देख पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।